अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आमीन जिसुम आमीन। ये मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जी लेट नाइट से, और ये कल रात से ही मैंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ मैं बना रही थी सैंडविचेस, और सैंडविच मेरे अपने हस्बैंड की डिमांड पे बनाए हैं। उन्हें रात को भूख लग गई थी तो वो कहने लगे कुछ खाने के लिए मिलेगा, तो मैंने कहा सैंडविच मिलेंगे, शामी आज ही बनाई थी। तो बस नाश्ता हमारा हो गया, फिर मैं आई थी कमरे में, कमरा भी मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया। और कल व्लॉग में ही आया क्योंकि लाइट नहीं थी, और लाइट नहीं थी तो यूपीएस भी गायब था। तो फिर मैंने बेडशीट चेंज की, तो दोनों बेड की, अयान का भी बेड है उसकी भी बेडशीट चेंज हो गई, और मैंने अपने बेड की, ये बहुत ही अच्छा कपड़ा है मेरे बेड का जो है, अयान के बेड का तो मैंने अभी परचेज किया था कुछ अर्सा पहले। और ये जो मेरे बेड की बेडशीट है ये मेरी शादी की है, इसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई है, ये वाइट कलर में जो आपको फूल बॉक्स में नजर आ रहे हैं ये कढ़ाई है। तो बाकी कमरा मैंने साफ कर लिया, तो साइड टेबल्स मेरे रह गए थे, उसमें मेरी कुछ चीजें पड़ी हुई थी, मेरे बेटे का फीडर था, एक प्लेट थी जो मैंने बाद में उसको रिमूव कर लिया। तो कमरा साफ सुथरा करके उसके बाद मैंने सोचा चलें जी, आज आयान तो स्कूल गया हुआ था लेकिन आलन घर पे था तो उसकी मैंने मालिश कर दी। तो वीक में ये जो प्रोसीजर है मालिश का वो मैं 2 मरतबा जरूर करती हूँ, और बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन चीज है ये मालिश। यहाँ जी आलियान रेडी हो रहा है अपनी मालिश करवाने के लिए, तो मैंने एक वाइट कलर का कपड़ा रखा हुआ है उसी के ऊपर बस मालिश करती हूँ, फिर उसको बाद में वॉश कर लिया जाता है इजीली। तो यहाँ आलियान मालिश करवा के बैठा हुआ था, कार्टून देख रहा था, और फिर मैंने इसकी मालिश के बाद अपनी डस्टिंग कंप्लीट की, फर्नीचर की क्लीनिंग, और छोटे छोटे काम जो थे वो मेरे लिए बड़े जरूरी थे और करने भी होते हैं मैंने। तो जी अब जी ये टेबल साफ होने लगा है, और टेबल पे एक ग्लास जग और एक ग्लास, ये आपको एवरी टाइम नजर आएगा क्योंकि जग पानी का भर के तो टेबल पे रखती हूँ ताकि हर जो भी बाहर से आए उसको प्यास लगे तो वो पी ले। तो जी यहाँ पे चल रहा है काम, ये काम कंप्लीट होंगे तो फिर जाएंगे किचन में, क्योंकि किचन में भी खाना बनाना है, खाना नहीं बना अभी तक। तो जी बस खाने से फारिग होने के बाद तो मशीन भी लगानी है, क्योंकि बेडशीट्स उतारी हुई हैं, वो पड़ी हुई थी धुलने के लिए, तो मैंने चले आज ये काम भी कर लिया जाए। और आप सब बताइएगा आपका वेदर कैसा जा रहा है आपके सिटीज का? तो हमारे यहाँ तो बस अभी कभी धूप निकलती है कभी नहीं निकलती, कभी थोड़ा सा मौसम ठंडा लगता है कभी गर्मी लगने लग जाती है, बस यही सब चल रहा है। तो यहाँ जी खाने की तैयारी हो रही है, खाना शाना पकेगा तो फिर कपड़े तो वॉश करेंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ पे आटा गूंद लिया है, और आज खड़े मसाले की दाल बनेगी बॉयल करके, दाल भी मैंने बॉयल कर ली हुई है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो थोड़ा सा मसाला मैंने फ्राई करके उसमें सारे मसाले डाल दिए, इसमें मैंने नमक मिर्च वही मसाले जो आम खाने में जाते हैं, हल्दी जीरा इस तरह की चीजें। ये बर्तन मेरे पुराने हैं तो मैं इनको बॉइलिंग के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, इनको मैंने वेस्ट नहीं किया, बस रखा हुआ है कि कभी पोटैटो बॉयल कर लें या कोई भी चीज बॉयल हो जाए तो इजीली इनमें हो जाती है। तो यहाँ जी मैंने दाल डाल दी इसमें, तो अभी मैं 1 ग्लास इसको पानी में डालूंगी, इसमें पानी का 1 ग्लास मजीद डाल के इसको पकाऊंगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, ना तो ये बहुत कच्ची कच्ची लगे और ना ही बहुत ज्यादा गल जाए। तो
तो ये दही मैंने रखा हुआ था थोड़ा सा फ्रीजर में, मैं वही यूज करने लगी हूँ। इसकी मैं बनाऊंगी चटनी। तो बस जी, यहाँ बच्चों की पक रही है वही सेम सेवैया जो ये खाएंगे खाने के बाद। तो यहाँ मेरा दूध बॉयल हो रहा है, और अयान के लिए मैंने पानी रखा है क्योंकि वो स्कूल से आया था तो फिर उसको नहलाना था मैंने। तो देख रहे हैं जी, किचन मेरा बिल्कुल क्लीन है। तो अब खाना खाएंगे तो उसके बाद देखेंगे किचन की क्या सूरत हाल निकलती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पानी गर्म हो जाएगा जब तक अयान आएगा घर। तो सेवैया बना रही हूँ, लेकिन इन सेवैयों के बाद मैं इनके लिए ना एक नई रेसिपी जो इनको दूंगी तो वो बनाऊंगी और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और सेवैया मैंने बना ली, और ये जो आपको नजर आ रहे हैं इसके अंदर ये वही सेम ड्राई फ्रूट्स हैं, तो वो मैंने डाले थे लास्ट पे। तो जी, अब देखें खाना शाना बच्चों ने खा लिया, तो किचन देखें कितना गंदा हुआ। पर अभी मैं इसको करती हूँ साफ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, ये किचन देखें जी, हो गया नीट, किचन नीट एंड क्लीन हो गया था। और ये दो दोपहर में बनाई थी दाल, ये वो बच गई, और साथ में ये दूध को किया हुआ था फ्रीज, उसको भी निकालना है। तो इसको जरा नीम गर्म करेंगे, तो इसका जमाएंगे हम दही। यहाँ मैंने ना पानी का पतीला भी ऊपर रखा हुआ। चलें जी, सारा दिन इतने काम होते हैं कि घर के काम तो खत्म ही नहीं होते हैं। और मैं ना, शुक्र अल्लाह का, फिर भी ये काम अल्हम्दुलिल्लाह इंसानों के साथ चलते जाते हैं। किचन हो गया क्लीन, तो अभी मैं करने लगी हूँ कपड़े प्रेस। कुछ कपड़े मैंने प्रेस किए हुए थे तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि कपड़े धोने की वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई, मैं शूट नहीं की मैंने, तो मैंने इसलिए उसको ना रहने दिया। ये मैं कपड़े अलग अलग से प्रेस करके रख लेती हूँ, जो हैंगर करना तो उन्हें हैंग कर लेती हूँ, और जो रखने वाले होते हैं उन्हें मैं इससे तय कर लेती हूँ। तो जी, यहाँ हो रहे हैं थे कपड़े प्रेस। कपड़े प्रेस करने के बाद अभी शाम की चाय चलेगी, और चाय के साथ कोई थोड़ा थोड़ा सा स्नैक तो चलेगा ही। तो कोई नहीं चाहिए, ये रूटीन के वर्क है। जाहिर है हम व्लॉगिंग करते हैं तो वही काम दिखाएंगे, वही चीजें दिखाएंगे जो डेली व्लॉगिंग में चल रही होती है, डेली लाइफ में चल रही होती है। वो आलियान के कपड़े रहे और ये रहे अयान के कपड़े। दोनों के कैबिन सेपरेट है। तो ये मेरे फादर इन लॉ के कपड़े जो मैंने प्रेस करके यहाँ रख लिए थे, मैंने कहा था मेरी मदर इन लॉ खुद ही इनको हैंग कर लेंगी। और ये रही जी बेडशीट, ये धो ली थी और ड्राई भी हो गई थी तो मैं इनको समेटूंगी अब। तो जी, ये मेरे हस्बैंड के कपड़े, ये भी मैं लटकाऊंगी उनकी अलमारी में। तो जी चलें जी, चलते हैं जी हस्बैंड की अलमारी में। सॉरी जी, चलते नहीं, बस इनको हैंग करूंगी। तो जी ये रहा जी, ये काम भी हो गया। तो अभी ये शर्ट्स वाली साइड खोलती हूँ, तो उस साइड पे रखती हूँ शर्ट। अयान का मैं कभी अपनी अलमारी में भी रख लेती हूँ, कभी इधर भी रख लेती हूँ। तो जी, कपड़ों का काम हो गया है। बस सबसे ज्यादा मुश्किल काम यही लगता है मुझे, कपड़े बिखरे हुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों, आदत नहीं है क्या सीन है, अभी कोई चक्कर नहीं है। अभी जी शाम का टाइम है। तो जी यहाँ बनेगी चाय, तो चाय बनती है और साथ में बनेगी हस्बैंड के लिए बस शामी चाय, तो 2 कप, लेकिन शामी एक ही बनेगी। तो ये रहा जी हमारा दूध। सॉरी जी, थोड़ा सा एंटरटेन कर रही थी आपको। जाहिर है इंसान बोलते बोलते ये बताओ वो बताओ बोर हो जाते हैं सुनते सुनते, लेकिन थोड़ा सा एंटरटेन तो करना ही पड़ता है। अभी स्टार्टिंग है, थोड़ी सी मुझे भी मसला आता है। कोई नहीं जी, आपके साथ रहूंगी तो सब कुछ सीख जाऊंगी। तो जी ये गए दूध के 2 कप। चलें
चाय तो सबको बनाने आती है, चाय के बारे में बताने का तो कोई इतना फायदा नहीं। ये रही जी चाय, तो ये रही जी शामी, ये हम खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में कल फिर से। अल्लाह हाफिज।